डियर स्टूडेंट्स, एक शानदार वैकेंसी को आप सभी परस्यू कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की नई वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने में एहतियात बरतें, कोई मिस्टेक ना हो, बाद में इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। तो फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर सोच लें कि हमें फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी है। इस एग्ज़ाम को निकालना है, ये शपथ लें कि इतनी अच्छी वैकेंसी को हम यूँ ही जाने नहीं देंगे। लेकिन ये निकलेगा कैसे, ये सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीटें जितनी हैं रिज़ल्ट फाइनल उतना ही आएगा। इस एग्ज़ाम को जिन्हें हर हाल में निकालना है उन्हें दो तरीक़ों को ज़रूर अपनाना चाहिए। एक, कंसिस्टेंट लेबर, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली आप पढ़ें, 3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे आपके पास हैं वो हर दिन कंसिस्टेंटली बिना एक दिन भी मिस किए, एक्सेप्ट इमरजेंसी जब आती है तब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट डेज में कंसिस्टेंटली अपनी तैयारियों में लगे रहें। और दूसरा कि जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं ये बुक्स ऐसे हों जो एग्ज़ाम फ्रेंडली हों, जिससे क्वेश्चंस दिखते हों। अगर ये दो चीज़ आप कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका डेफिनेटली आएगा, क्योंकि अभी भी इस एग्ज़ाम में टाइम है, कम से कम 2 महीने आपको टाइम मिलेगा, मिनिमम हो सकता है इससे अधिक टाइम मिले। अगर मिनिमम 2 महीने भी अभी से आपको टाइम मिलता है तो सफिशियंट होगा इस एग्ज़ाम को इस लेवल पर, पीटी के लेवल पर निकालने में। और फिर मेंस में भी सिलेबस सेम है, केवल क्वेश्चन का थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। फिज़िकल फिर दौड़ भाग की चीज़ है, तो ये एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में है, लेकिन आपने कितना कठोर निर्णय किया है, कितनी बड़ी शपथ ली है, ये आप पे डिपेंड करता है। इस एग्ज़ाम को आपको निकालना चाहिए। कल एक सेट आया था 100 क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस था 22 दिसंबर 2019 को, यानी अभी से 8 महीने पहले हुए एग्ज़ाम का, जो पीटी का एग्ज़ाम एसआई का हुआ था। इस सेट को लाने का 2 उद्देश्य था। एक, आप सेट बनाकर देखें कि आज आप कहाँ हैं, इस तरह के सीधे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस आप किस तरह से बनाते हैं। और दूसरा ये कि जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं क्या उससे क्वेश्चंस दिखे, क्या आप देख रहे हैं कि जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हमारा ये आकलन है कि जो बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं उससे अधिकतर क्वेश्चंस थे, अभी हम लोग देखेंगे। अगर इसे पूरी तरह से बांटें कि किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आए, तो आप रफली देखेंगे, और यही पैटर्न आगे भी चलेगा, अभी चूँकि ये लेटेस्ट पैटर्न है, आगे भी यही पैटर्न चलेगा। सबसे अधिक क्वेश्चंस 17 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से, 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटिक्स से थे, 7 क्वेश्चंस फिजिक्स से थे, 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री से थे, 10 क्वेश्चंस जीके से थे, 3 क्वेश्चंस इकोनॉमी से थे, और 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। साथ में 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी थे, जबकि पीटी के सिलेबस में मैथ मेंशन नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी थे। अब आप खुद आकलन कर सकते हैं कि क्वेश्चन की दिशा, प्रश्नों की दिशा किस ओर है। और अगर दिशा की बात करें, आप ये बात कान खोलकर सुन लें, पैटर्न यही रहेगा, आप इसे फॉलो करें यही पैटर्न रहेगा, मोर और लेस थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे होगा। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन जो बताया ये एक दूसरे में आ जाते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इकोनॉमी में, और कभी कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जीके में, या जीके को क्वेश्चंस इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, तो ये इंटरचेंज होता रहता है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। लेकिन आपने पैटर्न देखा कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से, उसका ज्योग्राफी और पॉलिटी से अगर मिलाएं तो लगभग 30-35 क्वेश्चंस यहीं से हो जाते हैं, बल्कि 40 क्वेश्चंस इस 3 सेगमेंट से ही 40 क्वेश्चंस हैं। साइंस को अगर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लगभग 12-15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा चंक फिजिक्स का है। लेकिन ये मान कर ना चले कि अगली बार भी फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री या बायोलॉजी से अधिक क्वेश्चंस हों। तो अभी तो 7 क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री से 4-4 क्वेश्चंस हैं, अगली बार हो सकता है इसके उलट हो, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन साइंस से आप मान कर चलें कि 7, 4, 11 और 15 लगभग 14-15 क्वेश्चंस साइंस से अगली बार भी रहेंगे। अब इसमें इकोनॉमी से क्वेश्चंस आपने देखा कि बहुत कम, और होपफुली इकोनॉमी से क्वेश्चंस रहते भी कम हैं, जिसमें एक सेबी आया, यानी रेगुलेटिंग अथॉरिटी शेयर बाजार का जो विनियामक संस्था है, सेबी के बारे में आया। और दूसरा क्वेश्चन एक आया था, अगेन इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी, उस पर क्वेश्चंस आ गया, और एक क्वेश्चन आर्थिक गणना पे था। मात्र 3 क्वेश्चंस इकोनॉमी से, इकोनॉमी से ऐसे 3 से 4-5 क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, तो ये कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। कंसर्न फैक्टर है आपका कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी अच्छे से आपका तैयार हो, रिविज़न के साथ, और जो हम लोग कर रहे हैं उसे आप बार बार करें। एक बड़ा मिस्टेक यह होता है कि आप जाने हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में गलत करते हैं,
जहाँ पर एग्ज़ाम रुक जाता है या एग्ज़ाम में हर्डल बाधा आती है, रिजल्ट में बाधा आती है, वो होता है कि आप जाने हुए 8-10 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तब तो ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप वहाँ पर जाएँ और शेयर बाज़ार के बारे में पूछा जाए तो आप इंश्योरेंस के बारे में, दूरसंचार के बारे में लिख दें। तो ऐसा नहीं करना है, जाने हुए क्वेश्चंस को मिस्टेक नहीं करना है किसी भी हाल में, और कुछ टफ क्वेश्चंस को बनाना है। अब देखिए, ऑल टुगेदर इस सेगमेंट को अगर हम लोग देखें तो बुक्स की जहाँ तक बात है, हमने देखा 5 क्वेश्चंस मैथ से था और 25 क्वेश्चंस करेंट से, 30 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गए, बच गए 70 क्वेश्चंस। और जो हमने मैच किया, देखा, हमें तो याद हो गया है, आप लोगों को जो बुक्स हम बता रहे हैं उसके एक एक लाइंस कहाँ पर किस तरह से लिखे हुए हैं हमारे माइंड में। हमने देखते ही एक कैलकुलेट जो रफ किया वो ये कि लगभग 48 से 50 क्वेश्चंस इस सेट के आपके बुक से आए, और ये हल्के और टफ दोनों तरह के क्वेश्चंस थे, यानी मीडियोकर भी थे, कुछ इजी भी थे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी थे। 48 से 50 क्वेश्चंस लूसेंट और क्रॉन से थे। इसमें स्पीडी को हमने नहीं जोड़ा है, क्योंकि स्पीडी में वन लाइनर्स हैं तो उसमें सर्च करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमने केवल लूसेंट और क्रॉन की बात की है कि इन दोनों बुक्स से 48 से 50 क्वेश्चंस हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, पेज में जाएं, मिला लें आप, हम लोग पेजेस कर रहे हैं। तो अगर आप जो बुक्स लेकर चल रहे हैं उसमें 45 से 48 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग सही दिशा में, अच्छे दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत बस करते रहना है, कंसिस्टेंट लेबर, और समझ को अपनी थोड़ा बना कर रखना है। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग बेजा नर्वस हो जाते हैं, एक क्वेश्चन टफ देखा, 2-3 और गलती कर दिया, क्योंकि अब मन में हड़बड़ाहट आ गई, जो आपकी संवेदनाएं हैं वो एकदम हिल गई। अरे बाप, 2-3 क्वेश्चन हमसे नहीं बना, अब क्या होगा, क्वेश्चन गड़बड़ा गया, एग्ज़ाम गड़बड़ा गया। तो ये होता है नर्वस सिस्टम का, ये जो फेलियर है एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। 1-2 क्वेश्चन नहीं बना कि 5-7 क्वेश्चन भारी पड़ गया। तो ये नहीं करना है, आप जो पढ़ रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं, इससे एग्ज़ाम निकलेगा, लेकिन आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये रिजल्ट दिलाएगा। 70 में 48 से 50 क्वेश्चंस आपके बुक से आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस जीके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीधे बुक्स में नहीं मिलते, वो आपके अपने एक्सपीरियंस पे होंगे, जैसे हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तीजन बाई, उनके बारे में क्वेश्चन आया था, तो ये सब सीधे तौर पर बुक्स में नहीं मिलते, ये सब हमारे सेट बनाने से कवर होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि हर तीसरे दिन और या हर अल्टरनेट डे आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें। इससे वो जो 10 क्वेश्चंस जीके जीएस वाले हैं, जीके वाले, जनरल नॉलेज वाले, जो बुक्स में नहीं मिलते, ये प्रैक्टिस सेट में हल हो जाते हैं। हॉर्नबिल उत्सव हो गया या तीजन बाई हो गया, ये सब आप सेट्स में बनाते हैं तो वो बन जाते हैं, वहाँ पर मिलता है, आपको पता चलता है पंडवानी गायिका है, तीजन बाई प्रमुख कलाकार हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सेट से हल होंगे, इसका मतलब है बुक से तो हम लोग 48-50 कर रहे हैं, कुछ सेट से 2-4-5 हल हो जाते हैं, तो 54-55 क्वेश्चंस आपके कवर इधर हो जाते हैं। मैथमेटिक्स 5 छोड़ दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मैथ नहीं बना पाते हैं, हटा दीजिए। बात अब आती है करंट अफेयर्स की, 25 क्वेश्चंस। एक और सेट हमने देखा था, उसमें भी ऐसे ही 23 से 25 क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत अधिक रहेंगे इस बार भी, और ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। आप अगर स्वयं अपने लेवल पर देखें, कुछ छात्रों को छोड़ दें जो करंट अफेयर्स में विशेष लेबर करते हैं, उनकी रुचि है, इंटरेस्ट है उनका, इसलिए करंट अफेयर्स में वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं 80% जो करंट अफेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड स्टडी नहीं करते हैं। कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ उठा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी तनाव में आ गए, करंट अफेयर्स में आप उलझे हुए रहते हैं, तो ये कैसे होगा। यहाँ पर हम आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेंगे, एक तो ये कि अखबार जो डेली पढ़ते हैं उनका तोड़ नहीं है, कोई भी एक अखबार, एक रुपये वाला ही सही, आप एक डेली ज़रूर पढ़ें, कम से कम हेडलाइन देख लें। स्पोर्ट्स के पेज पे, इकोनॉमी के पेज पर, अपने राज्य के पेज पर जाएं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के पेज पर जाएं, सब बटा होता है। एक बार कम से कम पूरा पढ़ें नहीं, केवल हेडलाइन आप देख लें। हेडलाइंस जो बड़े बड़े लाइंस होते हैं अखबारों के, इतना भी आप कर लेते हैं जो हार्डली 5 से 10 मिनट में हो सकता है, तो आपने समझिए कि अखबार पढ़ लिया, नहीं से हाँ हो गया। एक रुपये वाला ही आप ले लें कम से कम। एनीवे, आजकल 2 रुपये में अच्छे अच्छे अखबार आते हैं, पेपर्स आते हैं, तो वो आप करें, एक अखबार पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास गाँव में तो अखबार आता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं दूर दराज के इलाके, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर पेपर्स की फैसिलिटी नहीं है, तो आप कैसे होगा। हमने
हमने करंट अफेयर्स को लेकर आपको रेगुलर आगाह किया है। हम लोग डेट वाइज अभी कर रहे हैं जनवरी से, और अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लास्ट 6 मंथ के। तो लास्ट 6 मंथ को तो स्कैन हम लोग करेंगे। सेफ होता है 1 साल पीछे का कर लेना, लेकिन 1 साल छोड़िए, जनवरी से अगर आप कर लेते हैं करंट अफेयर्स तो आप बहुत हद तक सेफ रहेंगे। लास्ट 6 मंथ में ही लगभग 70-80% क्वेश्चन आपके करंट के कवर हो जाएंगे। 8-9 महीने के पीछे के आप कर लेते हैं तो आप मानकर चलें 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 9-12 महीने पीछे के होते हैं, 1 साल पीछे के होते हैं। तो करंट अफेयर्स को करना है, ऑनलाइन आप करें। अभी हमने आपको बीपीएससी की तैयारी में भी 10-10 डेट वाइज दे रखा कि आप 10 डेली डेट वाइज आप निकालें, कॉपी में नोट करें। और जो लोग चाहते हैं करंट अफेयर्स में इम्प्रूव करना, वो 20 वन लाइनर्स एक्स्ट्रा करें, वन लाइनर्स। इसके लिए आपको बहुत सारे चैनल्स भी आजकल वन लाइनर्स बताते हैं, या 10 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स दे देते हैं या वीक का। तो इस तरह का आप कम से कम 20 और करंट अफेयर्स कर लें। करंट अफेयर्स डिसाइसिव हो जाएगा अगर करंट अफेयर्स में आप पकड़ बनाते हैं। एक मंथली मैगजीन हमने रेगुलर कहा कि लेना होगा। प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण अभी आप ले सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में है तो फिर दृष्टि आता है या विजन का आता है, या फिर अपने स्तर पर आप जो भी आप बेहतर समझते हैं। एक मंथली मैगजीन आपको लेना होगा, हिंदी वाले प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण आप लें। अगर आप SI या SSC की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण। अगर आप BPSC या PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेना होगा प्रतियोगिता दर्पण। एक आप लें, एक मैगजीन में सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ होगा। दूसरी बात, आपको SPD का आता है वार्षिकांक, वो आपको हर महीने अपडेट होता है ब्लू कलर का, वो लेना होगा। और एक आपको साथ में और लेना होगा घटना चक्र का, इससे बहुत हद तक आपका कवर होगा। और फिर हम कहेंगे कि डेली डेट वाइज 10 क्वेश्चन आप निकालें, और एक्स्ट्रा डेट का नहीं कहीं का भी 20 वन लाइनर आप कर लें, 20 वन लाइनर्स। इसके सारे 20 आप एक बार देख लें, किसे मिला नोबेल प्राइज़, किसे मिला ऑस्कर प्राइज़, कौन सा कहां पर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो इस तरह का सारा आप 20 वन लाइनर्स कर लें, करंट अफेयर्स में बहुत काम होगा। तो 3-4 बातें हो गई करंट अफेयर्स में। एक, आप डेट वाइज करें, हम लोग जनवरी लेकर चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन आप वन लाइनर्स कर लें, प्रतियोगिता दर्पण या सामान्य ज्ञान दर्पण एक मंथली लें, और SPD वार्षिकांक है इसमें कॉन्साइज होता है पिछले 6-8 महीनों का, ये आप करें। इतना में काफ़ी कुछ होगा, नहीं से बेटर होगा। एक बार कई बार लगता है कि क्या हम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ तो रहे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। 2 दिन में क्वेश्चंस नहीं बनने लगेंगे, कम से कम 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने लगातार आप इस पर काम करेंगे तो डेवलपमेंट आपका दिखेगा। 2-4-5-7 दिनों में आप चाहेंगे कि कुछ जादू हो जाए तो नहीं होगा, 1 महीने काम कीजिए और देखिए रिजल्ट दिखेगा। तो अखबार अगर पढ़ सकते हैं तो दी बेस्ट 2 रुपये वाला ही आप पढ़ लें, एक मैगजीन, उसके बाद SPD का करंट अफेयर्स, और ऑनलाइन डेट वाइज डेली 10 क्वेश्चंस और 20 वन लाइनर्स। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बहुत कुछ हो गया, इतना कैसे होगा, इतना करना होगा, इतना करना होगा। चूँकि आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं। तो जो बहाने कर रहे हैं या अपनी मजबूरियां बता रहे हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। आप नहीं करेंगे, आपके बगल वाले बहुत मज़े में कर रहे हैं, ईजिली कर रहे हैं, दिन भर करते हैं, खूब सोते हैं फैल कर, गपे भी हाँकते हैं, शाम में घूमने भी निकल जाते हैं, करने वाले कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट उनका ज़्यादा चांस हो जाता है कि उनका पहले आएगा। आपको रिजल्ट में आना है, ठीक है, मजबूरियाँ हैं, लेकिन प्रयास तो करके देखिए। नहीं से या बैठ जाने से तो बेटर होगा कि हम कुछ हाथ पैर मारें। और ये हाथ पैर मारना कई बार पहले तो शुरू में चोट लगता है, दुख होता है, तकलीफ होता है, बाद में आदत हो जाती है हाथ पैर मारने की। आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो बदन हाथ दर्द करने लगेगा। तो इस तरह से आप काम करें, हाथ पैर मारें, रास्ते निकलेंगे। अच्छी वैकेंसी है, इसे निकालना है, और ये निकलेगा कंसिस्टेंट लेबर, अच्छी सोच, अच्छा गाइडेंस, अच्छी बुक को पढ़ने से। टेक केयर।